Awesome, awesome people out there. Welcome back to my channel. My name is Nirupama and I hope you all are doing great. So I'm back again with a story time video. I know. I mean, so many of you have requested me to make a story time video. Jabhi bhi poochho ki bhai kuch suggestion de do kya video banani hai, because you run short of ideas ki ab kya video banao, ab kya information share karu. You people are like, make a story time video. Even if I don't ask, there will be a DM. दिन में कम से कम एक बार तो कोई ना कोई डीएम करता ही है, व्हाई डोंट यू अपलोड अ स्टोरी टाइम वीडियो, वी वांट टू वॉच अ स्टोरी टाइम वीडियो. सो आई वाज लाइक, आई वाज हैप्पी, एक्चुअली वेरी हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज समबडी वांट्स टू हियर योर चप्पर चप्पर. यू नो व्हाट एम आई डूइंग, आई एम जस्ट सिटिंग हियर एंड शेयरिंग माय स्टोरी व्हाट हैपेंड टू मी वंस अपॉन अ टाइम, एंड यू पीपल एक्चुअली लव इट एंड दैट मेक्स मी हैप्पी. आई एम लाइक, असल जिंदगी में आपकी बात कोई नहीं सुनना चाहता, बट यहाँ पे एक्चुअल में यू पीपल टेक आउट टाइम टू वॉच माई स्टोरी टाइम वीडियोज वेर आई एम शेयरिंग वट हैपन टू मी, यू नो. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माई गाथाज जो मैंने अभी तक सुनाई है आपको, एंड टूडे ऑल्सो आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग. सो आज मैं बात करने वाली हूँ, या आज मैं स्टोरी जो शेयर करने वाली हूँ, दैट इज गोइंग टू बी माई लॉकडाउन स्टोरी. सो मैंने कभी इस बारे में बात नहीं किया, लाइक हाउ वॉज लॉकडाउन फॉर मी, यू नो, एज एन इंडिविजुअल. ऑफकोर्स वी ऑल हैव बीन देयर एंड अभी भी हम लोग काफ़ी कुछ फेस कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं. थिंग्स आर नॉट एज नॉर्मल एज इट यूज टू बी बिफोर 2020. सो ऑफकोर्स थिंग्स आर डिफिकल्ट, बट हाउ डिड आई मैनेज टू स्टे सेन, यू नो, एंड या सो उस सब के बारे में बात करने वाली हूँ. ठीक है, मुझे आइडिया कैसे मिला ना इस टॉपिक के बारे में. सो एक्चुअली आई वॉज थिंकिंग कि मैं क्या स्टोरी शेयर करूँ, बिकॉज मैंने मोस्टली सारा कैबिन क्रू का इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ. अगर अभी भी मैं अगर सोचूँ, बहुत ब्रेन स्ट्रॉमिंग करूँ, तो शायद कुछ टॉपिक निकल जाए, बट देन आई थिंक 99% इन्फॉर्मेशन तो मैंने शेयर कर ही दी अभी तक. सो आई वॉज जस्ट थिंकिंग अच्छा व्हाट शुड आई टॉक अबाउट. Then, you know, abhi few days ago, I would say a week ago, I was asked to write an article, okay, about, I'll tell you, because I can't remember things. So, joy of living, personal life experience and teaching. So, iske upar bhai article likhna tha, theek hai? And I was like, yeah, kya article likhu, what should I talk about, because there are so many things, na. तो एक आप एक एक टॉपिक ऐसा कैसे पिक कर सकते हो कि जो आपको लगे कि बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग हो, बिकॉज हियर यू आर शेयरिंग योर स्टोरी. Also, you are trying to inspire people, you know, that should be the motive. So, I was like thinking, kya share karu, kya share karu. Then my husband told me, ki, he suggested me, ki, why don't you write about your lockdown wala time, na? Ki, iske baare mein share karu, ki, how was it, because you were staying alone and nobody was there. So, how difficult it was for you and how did you manage everything and all of that. So, why don't you talk about that? And I was like, smart boy. So I should actually talk about it. And while I was writing about that thing, while I was writing that article, तो मैंने सोचा कि why not to make a video about it? You know, because limited लोगों को क्यों inspire करना? थोड़े और लोगों के साथ अपनी story share करो. शायद उन्हें inspiration मिले. Because I really get inspired. You know, I like watching interviews of famous people. That how did they struggle and all of that. Though I'm not a celebrity. But I just thought कि अगर आपकी story सुन के कोई ना कोई कहीं ना कहीं अगर इंस्पायर हो जाए तो उसमें क्या हर्ज है. सो दैट इज द रीजन वाई आज का टॉपिक होने वाला है माई लॉकडाउन स्टोरी. सो दैट्स द वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट. ओके, रेडी? ऑल्सो बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट, वन सेकेंड, थोड़ी सी ओवर स्मार्टनेस दिखाने के बाद, नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दीज टू प्रोडक्ट्स. सो दीज आर द प्रोडक्ट्स विच आर सेंड टू मी by Mama Earth. It's from their Aqua Glow range. So one is their Aqua Glow face wash and another one is their Aqua Glow hydrating sunscreen gel. And the main ingredients are Himalayan thermal water and hydrolic acid. Aqua Glow range is the perfect natural skin hydration solution since it is made of Himalayan spring water with its renowned properties. Himalayan spring water is considered to be a miraculous potion for skin as people bathe in these spring waters for its healing and skin hydrating properties. Like Manikaran, Kheer Ganga, Gauri Kund, Mama Earth products are free from harmful chemicals and all natural. Mama Earth Aqua Glow sunscreen protects you from blue light and UV rays, provides you intense hydration, ultralight texture, goodness of Himalayan thermal water, and suitable for all skin types. Mama Earth products are available on Amazon, Nykaa, and Purple. You can use my coupon code NIRU2022 and get 20% discount. Mama Earth has also launched their official app where users can get early access to sales
an extra discount. All right, so that was about Mamaearth, and now let's start with the story time. So ये बात है 2020 की. I know the year when we thought that everything's going to be different, you know, because it was the beginning of a new decade. So of course expectation काफी ज़्यादा थी, and I think we were not prepared for it. Honestly, mentally, when I talk about, you know, we were actually in a denial. At least if I talk about myself and if I talk about people I know. So I'm not sort of even in denial, you know, ki chalo theek hai, matlab haan theek hai, it will be under control. And nahi pata tha, kisi ne nahi socha tha ki 2021 tak, 22 tak hum isse jhooj rahe honge. So yes, to jab ye cheez aayi India mein, and I remember March 2020 lockdown started, mid-March 2020 pehla lockdown laga. So us time pe I was working with the university, I was working as an assistant professor, and acha chal raha tha job. I was staying alone, theek hai, I was staying in Kharar, Punjab. So I was staying alone there, maine ek apartment rent kar rakha tha because it was closest to my university, so that is the reason why I was staying there. Main kisi ko as a like, मैं वैसे भी पहले कभी चंडीगढ़ में नहीं रही या पंजाब में कभी रही हूँ, तो दैट वॉज माई वेरी फर्स्ट टाइम. सो आई थॉट कि यू नो आई शुड रेंट एन अपार्टमेंट विच इज क्लोजेस्ट टू माई यूनिवर्सिटी, माई वर्क प्लेस, सो इट वुड बी वेरी इजी टू कम्यूट, यू नो. सो दैट वॉज माई माइंड सेट. बट इफ यू सी द खरर, द एरिया वेर आई टू स्टे, वो ज्यादा डेवलप है नहीं, मतलब ज्यादा लोग नहीं है, मतलब ज्यादा हलचल नहीं है, तो थोड़ा सुनसान इलाका सा है. आई नेवर फेल्ट कि ये सेफ नहीं है जगह या कोई प्रॉब्लम इस जगह के साथ में. इट वॉज क्वाइट सेफ, बट देन आई एम जस्ट सेइंग यू नो, लोग आसपास, लोगों की चहल पहल, जैसे चंडीगढ़ है, यू नो, मेन सिटी जो है, उससे अगर मैं कंपेयर करूँ तो ऑफकोर्स वो काफ़ी सुनसान था. बट आई वॉज ओके बिकॉज मेरे एक शेड्यूल था. आई यूज टू गेट अप इन द मॉर्निंग, आई यूज टू गो टू द कॉलेज, फिर 9 से 4 तक 4:30 तक मेरा ऑफिस होता था, कॉलेज होता था, एंड देन बाय 5 आई यूज टू बी बैक होम, एंड बहुत थकी होती थी, देन प्रिपेयर फूड फॉर माई सेल्फ, जो भी घर का जो भी काम करना है, घर भी संभालना है एंड ऑफिस का भी काम. हालांकि सिर्फ मेरा ही काम होता था घर का बिकॉज आई वॉज स्टेइंग अलोन, बट फिर भी यू नो होते ही चीज़ें, सो यू हैव टू डू दैट. सो आई वॉज लाइक प्रिटी ऑक्यूपाइड विद दैट, यू नो. सो ऐसे मेरी जिंदगी चल रही थी. नाउ इन द लॉकडाउन हैपेंड. सो उस टाइम पे क्या, हमारे कॉलेज में एक हफ्ते का उन्होंने लॉकडाउन रखा. उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के लिए स्टूडेंट्स को तो बोल दिया कि बेटा अपने घर चले जाओ, एंड फॉर द फैकल्टी मेंबर्स दे वर लाइक यू नो, एक हफ्ते का आप मतलब घर में वर्क फ्रॉम होम करिए, एंड वी लेट यू नो कैसी होती चीज़ें, बिकॉज किसी को भी नहीं पता था कि कितना लंबा चलने वाला है. आई मीन लाइक किसी ने सोचा था कि अभी इस साल भी, मतलब नया साल आ गया है, 2 साल के बाद भी हम लोग इसी की बात कर रहे होंगे. सो यू नो नोबडी वॉज एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर दिस. सो हमने कहा चलो ठीक है, चले जाते हैं घर. अभी क्या हुआ कि उस टाइम पे मेरी बेवकूफ़ी थी वो कि आई हैड एन ऑप्शन टू गो बैक एज ए लाइक मेरे इन लॉज के पास हिमाचल. मैं जा सकती थी, ठीक है, बट दो चीज़ें थी. एक तो मैं अकेली थी, तो कैसे जाना बस स्टैंड तक, फिर बस लेके कैसे, देर वॉज नो वन ना, तो आई वॉज अलोन. एंड देन सेकेंडली आई थॉट कि ये इतना लंबा नहीं चलने वाला है, ठीक है, और फिर मुझे अगर ऑफिस बुला लिया तो मुझे फिर वापस आना पड़ेगा और इतना चक्कर होगा ये वो सो, तो यू नो आई शुड स्टे बैक. तो दैट वॉज माई माइंड सेट. वो एक हफ्ता का 8 महीना कब हो गया पता ही नहीं चला. वो अब लॉकडाउन और एक्सटेंड हो रहा है, एंड आई वॉज लाइक वॉट इज हैपनिंग. आई एम लाइक यू नो, एंड राशन था घर में, सब चीजें थी, बट इमेजिन आई एम द ओनली पर्सन रोमिंग इन दैट 2 BHK. ठीक है, ऑफकोर्स आई वॉज ऑक्यूपाइड विद माई वर्क, बट आई हैड नो वन टू टॉक टू एज ए लाइक इन पर्सन. एक चिड़िया भी बाहर नहीं दिख रही थी. इफ यू रिमेंबर द बिगिनिंग ऑफ 2020, देर वॉज नो वन. किससे बात करोगे आप? एंड मेरे पड़ोस में, यू वोंट बिलीव, मेरे जो पड़ोस वाला फ्लैट था, मेरे सामने वाला, वहां भी कोई नहीं रह रहा था. आई डिडंट नो एनीबडी इन माई बिल्डिंग कि कोई कितने फ्लैट में लोग रहते हैं, कितने में नहीं रहते हैं, कोई है कि नहीं. आई हैड नो क्लू, एंड इट वॉज क्वाइट स्कैरी सिचुएशन दैट टाइम. लकीली मेरे घर के पास, मतलब पास वाला जो अपार्टमेंट था, दूसरी सोसाइटी, बाजू वाली सोसाइटी जो थी, वहाँ पे मेरे कुछ फैकल्टी मेंबर रहते थे. सो फोन पे था, बट वही था इनिशियली ना, वी वर सो ऑक्यूपाइड विद द वर्क ना, वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ, समझ में नहीं आया क्या करना है, ओवरबर्डन हो गया हम काम की वजह से ना, क्योंकि वी वर कम और द कंपनी वॉज ऑल्सो फिगरिंग इट आउट कि कैसे बच्चों को ऑनलाइन कैसे पढ़ाना है. जूम में पढ़ाना है, पहले तो जूम में पढ़ाने लगे, फिर देन सॉफ्टवेयर दे बॉट अ डिफरेंट सॉफ्टवेयर स्पेशली विच इज यूज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज, तो उसमें कैसे काम करना है, अच्छा PPT बनानी है, अब ये करना है, वो करना है. सो वी वर लाइक 24/7, आई वुड से दैट, यू नो, मैं तो नींद भी काउंट करूंगी क्योंकि उसमें भी मैं सोचती रहती थी अच्छा ये करना है वो करना है. सो आई वॉज वेरी ऑक्यूपाइड. तो मैं ये कहूँगी बहुत टाइम तक तो मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि आई एम इन अ लॉकडाउन,
बिकॉज आई वॉज बिजी बिकॉज ऑफ माई वर्क, ठीक है. एंड उसके बाद ना उसके ऊपर ना मैंने अपने आप को बहुत, मैंने बहुत प्रोडक्टिवली उस टाइम को यूज़ किया, यूटिलाइज किया उस लॉकडाउन को. यू नो, एक तो बहुत सन्नाटा होता था ना, सन्नाटा होता था. सो मैंने कहा बढ़िया, ये वीडियो फिल्म करने के लिए अच्छा है, बिकॉज इट इज़ लाइक देर इज पिन ड्रॉप साइलेंस. सो यू नो यू कैन फिल्म अ वीडियो. सो whenever आई यूज टू गेट टाइम, आई यूज टू फिल्म वीडियोज फॉर माई यूट्यूब चैनल, ठीक है. मैं उस टाइम पे दो दो वीडियो अपलोड करी थी इन अ वीक, कभी कभार तीन तीन वीडियो. सो आई वॉज सो प्रोडक्टिव कि आई वॉज एक्चुअली एंड आई वॉज अपलोडिंग ऑल द इन्फॉर्मेटिव वीडियोज, बिकॉज व्लॉग करने का क्या व्लॉग करती मैं, यू नो. सो मोस्टली आई वॉज अपलोडिंग ऑल द इन्फॉर्मेटिव वीडियोज, ठीक है. आई मेड अ लॉट ऑफ मेकअप वीडियोज. नो आई एम नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट, ये बहुत मुझे नॉलेज नहीं है मेकअप के बारे में. स्टिल मैंने मेकअप वीडियोज भी काफ़ी अपलोड की अपने यूट्यूब पे, अपने इंस्टाग्राम पे. इंस्टाग्राम पे मैंने डांस वीडियो अपलोड किए. आई एम वेरी पैशनेट अबाउट डांसिंग, बट समवॉट आई डोंट नो, एज वी ग्रो अपना, हम जो चीज़ें हमें बहुत पसंद होती हैं ना जिंदगी में, हम उनको भूल जाते हैं, बिकॉज हम जो रोज़मर्रा की कश्मकश में लग जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि कौन सी चीज़ें जो हमें एक्चुअली में बहुत खुशी पहुँचाती है, खुशी देती है. वी एक्चुअली इग्नोर दैट, यू नो. हम उसे कहते हैं हाँ चलो कल कर लूँगा या परसों कर लूँगा या नर्सों कर लूँगा, तो उसको हम पोस्टपोन करते रहते हैं. बट बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन मेरे पास इतना वेला टाइम था ना, मेरे काम के बावजूद, और काम बहुत था बट उसके बावजूद, बिकॉज इट वॉज लाइक अ रिक्रिएशन एक्टिविटी फॉर मी, यू नो, बिकॉज आई वॉज सो स्ट्रेस विद द वर्क. सो आई नीड टू रिफ्रेश माई सेल्फ. सो आई कॉन्ट गो आउट टू टेक अ वॉक और हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स. वट शुड आई डू देन? सो आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज विच आई वॉज ऑलरेडी डूइंग ऑन यूट्यूब. Also, I started dancing and I started recording those videos. So, I've recorded so many, like every day I used to upload. That was like my target, ki, you know, I was my own boss. So, that was my target, ki, you know, I have to do it. I have to upload a video. And uske upar maine painting bhi karna shuru kar diya. So, wo cheez jo mujhe bahut pasand thi, jaise ki aap dekh sakte hain, mera masterpiece, Pahadi Baan. So, ye to khair main itni badi artist nahi hoon, but thoda bahut kar leti hoon. But then, usko bhi maine phir rediscover kiya, you know, us passion ko bhi. फिर मैं पेंटिंग बना लगी. एंड वो कैसे हुआ ना, माई फ्रेंड, माई वेरी क्लोज फ्रेंड रेनू. सो वन डे आई डोंट नो, मैं नो माई कजन अरुषि, सो शी इज एन अमेजिंग आर्टिस्ट, ठीक है. वो तो बहुत ही, वो तो नेक्स्ट लेवल ही बनाती है पेंटिंग्स. सो इज द प्रोफेशनल वाला. सो वो पेंटिंग बनाती थी, ठीक है. उस टाइम पे उसने बहुत पेंटिंग बना बना के अपलोड करा अपने प्रोफाइल में. तो उसको देखा देखी मैं भी बनाती हूँ, मेरे को भी तो आता है. तो फिर मैंने बनाने लगी. एंड शी यूज्ड टू लाइक टेल मी कि हाँ ये बना ले. फिर देन आई यूज्ड टू सेंड हर, देख मैंने ये बनाया आज मैंने ये बनाया. देन माई फ्रेंड रेनू वन डे शी ऑफकोर्स उसको भी, उसने भी देखा कि चलो एक दो पेंटिंग. उसने फिर मुझे ना एक कोई स्केच था, कुछ था, ठीक है. उसका फोटो उसने मुझे सेंड किया कि इसको बना के मुझे भेज, मेरे को ले, मेरा मेले बना स्पेशली ये. मैं दिमाग से ही आपका इतने, क्या मैं पिकासो विकासो नहीं हूँ कि मैं ये बना दूंगी. बोले ट्राई तो कर, क्या है. एंड एक्चुअली आई ट्राइड एंड इट टर्न आउट टू बी रियली गुड. और मेरी बेवकूफ़ी ये थी कि मैंने बहुत ही ऐसे ही वाले पेपर में बना दिया था, लाइक प्रॉपर पेपर में नहीं बनाया था, कैनवस में नहीं बनाया था मैंने वहां. तो उस टाइम पे तो क्या ही मैं ढूंढती है ना ये सब चीजें, बट समहाउ आई मैनेज, ठीक है. एंड इट वॉज वे इट टर्न आउट वेरी नाइस. सो आई कंटिन्यू दैट. सो आई वॉज पेंटिंग ऑल्सो एंड आई वॉज पोस्टिंग अबाउट दैट एज वेल. देन उसके अलावा मैंने अपनी सेल्फ पोर्ट्रेट लेना बहुत शुरू करा. एंड आई वॉज इंजॉइंग, यू नो, आई वॉज गेटिंग अप, आई वॉज टेकिंग माई क्लासेस, आई वॉज डूइंग द ऑफिस का काम. एंड उसके बाद अराउंड लाइक जब मेरा ऑफिस खत्म होने वाला था, तो दैट टाइम यूज टू बी द टाइम फॉर गोल्डन आवर, यू नो, सूरज की जो किरणें एकदम सही तरीके से आप पे पड़ती है ना, एंड बहुत अच्छी फोटोज आती है. दैट वॉज द टाइम आई यूज टू फटाफट आई टू रैप अप एवरीथिंग एंड आई टू गेट रेडी. यू नो, मेकअप ज्यादा नहीं करना, बट थोड़ा मिनिमल, अच्छा सूट पहन लिया, ये कर लिया. उस टाइम पे तो टिकटॉक भी मैंने इतना बनाया है, उसका भी इतना मैंने यूज अब्यूज किया है कि मैं क्या बताऊं. बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू कीप माई सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड नॉट बिकॉज वी वर स्टक इन दैट सिचुएशन. अनोइंगली आई वॉज डूइंग इट, आई वॉज नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट. ओ माई गॉड, वॉट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड. बिकॉज मुझे पता है, आई नो वॉट काइंड ऑफ पर्सन आई एम, यू नो, सबको अपनी असलियत पता होती है. सो आई नो दैट आई विल ड्राउन इन द ओशन ऑफ सैडनेस, ठीक है. एंड कोई भी नहीं है मुझे यहाँ से बाहर निकालने के लिए, बिकॉज यू नो आई एम द क्वीन, आई एम सेल्फ प्रोक्लेम्ड क्वीन ऑफ ओवर थिंकिंग. सो इफ आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, देर इज नो एंड टू दैट. सो आई वॉज कम्प्लीटली अवॉइडिंग थिंकिंग अबाउट इट. मैंने न्यूज़ नहीं पढ़ी कितने केसेस हुए कोरोना में. मैंने अगर कोई भी, बिकॉज पता है मैंने बहुत लोगों को उस टाइम पे इग्नोर भी किया बात करने में ना, क्योंकि किसी को भी कॉल करो बात करो, एवरीबडी वॉज लाइक इतने केसेस हो गए, ये हो गया, वो हो गया.
I'm not inhuman, okay? And I'm not ignorant about it. But can I do anything about it? क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? It will make me sad. And you know, आप depression में जा सकते हो. Imagine आप चार दीवारी में बंद हो. If I think about it now, तो मुझे लगता है, oh my god, how did I even survive? And I was in that house for 8 months. 8 महीने बाद जाके, you know, I left my job and then I packed my bag, everything, and then मैं अपने in-laws के पास रहने लगी. Because my husband was somewhere else, so I couldn't stay with him. So 8 महीने, but 8 महीने तक मैंने survive किया, and I really want to give pat on my back for that. उस time पे पता है बहुत सारी चीजें भी effect जो कर रही थी मुझे, मैं उसको ignore कर रही थी. You know, people were posting about like videos, like खाना बनाया family के साथ में, husband साथ में है, because corona की वजह से वो office नहीं जा सकते, so they are getting more time to spend together. And here I was like all alone. I had nobody with me, and you know. There were times when I used to feel bad about my situation. कि अगर इसका अगर आप silver lining भी देखने की कोशिश करो कि at least you get to spend time with your loved ones. I don't have anybody around. कि जिसके साथ में ये जो time थोड़ा सा cherish करके कुछ enjoy करके इसको spend कर सकूँ, कैसे करूँगी? Nobody is there. My husband is not around. He's somewhere else because of his work, because of his job. I cannot and I can't crib about it. मैं ये भी नहीं बोल सकती नहीं सब छोड़ छाड़ के तुम यहाँ आओ, मुझे नहीं पता. आई कांट डू दैट. सो आई हैव टू बी स्टे स्ट्रांग, एंड उसके लिए आई विल डू एनीथिंग मतलब एनीथिंग. ठीक है, आई विल कट ऑफ पीपल ऑल्सो. अगर मुझे लगेगा कि वो मेरी लाइफ में वो नेगेटिविटी का यू नो वो सोर्स बन रहे हैं, मैं बिल्कुल उन्हें कट ऑफ करने में मुझे बिल्कुल भी कोई भी झिझक नहीं होगी. ठीक है, बिकॉज माई मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. ठीक है, माई मेंटल पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक इट शुड बी फॉर एवरी वन. देन ओनली यू कैन सस्टेन, देन ओनली यू कैन सर्वाइव. देन ओनली आई वॉज एबल टू सर्वाइव फॉर 8 months इन दैट हाउस. फॉर गॉड सेक, 8 freaking months. इफ आई थिंक अबाउट इट नाउ, आई एम लाइक हाउ डिड आई इवन मैनेज, यू नो. एंड धीरे धीरे चीजें ठीक होने लगी. देर वॉज अ टाइम जब राशन खत्म हो गया एंड आई डेंट नो वॉट टू डू, यू नो, कि अब मैं क्या करूँ. अच्छा चलो, अब चलो एक आदमी के लिए तो चल जाता है राशन, काफी टाइम तक चल जाता है, बट अब करना क्या है? अब तो राशन खत्म हो गया. नाउ व्हाट शुड आई डू? प्याज नहीं है, टमाटर नहीं है, सब्जी नहीं है, चावल नहीं है, कुछ नहीं है. फिर देन आई स्पोक टू पीपल एंड देन समहाउ आई गॉट द नंबर ऑफ क्या कहते हैं ग्रॉसरी वाले का, ग्रॉसरी शॉप, मुझे नंबर मिला. ठीक है, मैंने कॉल किया, फिर मैं उसकी दुकान पर गई. और देन टाइमिंग भी हो गया था ना कि अच्छा ठीक है, अब ओपन हो गया, इस टाइम के बीच में यू कैन गो आउट फॉर इफ यू वॉन्ट टू बाय समथिंग. तो मुझे याद है मैं धूप में अकेले चल रही हूँ मास्क लगा के. मुझे इतना डर भी लग रहा है ना, उस टाइम पे इतना डर भी होता था ना कि कोरोना का, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, यू नो, यू वर सो स्केयर्ड एज अ पर्सन. आप कोशिश तो कर रहे हो टू स्टे अवे फ्रॉम द ऑल दैट नेगेटिविटी, बट यू नो द रियलिटी डाउन डीप डाउन, यू नो द रियलिटी कि इट इज नॉट अ जोक. ठीक है, इट कैन हैपन टू एनीवन एंड पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ दैट. So of course I was scared going to a shop alone and itna sunsan rasta, oh god, so scared. But then I got wo grocery wale bhaiya bahut acche the, wo ghar tak delivery de dete the, to unko main call karte rehti thi. Us time pe maine, and during that time I didn't realize, but that was the time when I actually started putting on weight. Now if you can see, of course I've put on weight. There was some person who commented in one of my videos, are you pregnant? Firstly, that is not a question you're supposed to ask anyone. अगर कोई pregnant होगा तो बता देगा कि भाई हाँ, you know, that's something very private, very personal. So whenever the person is comfortable, they will share. And secondly, I'm not pregnant. I know I have put on weight. I might look like a mummy of two, but I'm not. ठीक है? So it was all that stress and that loneliness and odd timing, because you know, किसी भी time पे भूख लग रही थी. It was not that I was eating much, but it was just the timing. And रात को नींद नहीं आती थी मुझे. ठीक है, फिर सुबह उठ के पढ़ाना भी है, नींद पूरी नहीं हुई है, खाना ढंग से नहीं खा रहे हैं, भूख लगे तो कॉफ़ी पी ली. सो बहुत ही अजीब सा लाइफ स्टाइल भी हो गया था. सो देर वर लाइक सम ब्राइट साइड टू दैट, एंड ऑफकोर्स थोड़ा सा डार्क साइड भी था उसका. एंड जब बाय द एंड ऑफ इट, जब मतलब व्हेन आई हैव डिसाइडेड क्योंकि आई डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू एंड आई वॉन्ट टू जस्ट स्टे विद माई फैमिली, तब मुझे रियलाइज होने लग गया. सो आई वुड से कि 7th month में या 6.5 या 7 month में मुझे रियलाइज होने लगा कि नहीं, देर इज समथिंग विच इज गोइंग, बिकॉज आई वुड से दैट आई वॉज फाइटिंग दिस बैटल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अलोन, यू नो. सो
It was affecting me. Maybe I did not realize. Maybe I didn't. I was not acknowledging it. I was ignoring it. Could be the reason. But yes, काफी काफी ज्यादा वो था. थोड़ा ट्रोमैटिक हो गया था. एंड आई रिमेम्बर माई हस्बैंड ही गॉट अ छुट्टी. तो ही केम, ठीक है, ही ऑल्सो केम आफ्टर लाइक 8 months, ऐसा कुछ था. ही गॉट अ छुट्टी. तो हम लोग 20 दिन की छुट्टी मिली थी, तो हम लोग चले गए. तो उस टाइम पे लॉकडाउन भी थोड़ा खुल गया था. सो वी वेंट बैक, ठीक है, हम उनके मतलब गाँव गए. वी स्टेड देयर एंड देन वापस मुझे आना था, बिकॉज मेरा नोटिस पीरियड बाकी था. तो आई हैड टू कम्प्लीट दैट एंड सारा सामान पैक करना बाकी. तो 1 महीना मैंने और रहना था उस घर में. सो वी केम बैक एंड आई रिमेम्बर मेरे हस्बैंड की छुट्टी ना 1 हफ्ते पहले खत्म हुई मेरे बर्थडे से. तो मेरा बर्थडे 2 अक्टूबर का था और वो सितंबर एंड में चला गया. उसकी छुट्टी खत्म हो गई थी. ही कुडंट एक्सटेंड हिज छुट्टी बिकॉज देर वर अदर पीपल ऑल्सो हु आर वेटिंग कि उनको छुट्टी मिलेगी, तो अपनी फैमिली से मिलेंगे, क्योंकि कोई भी नहीं मिला था, यू नो, इतने टाइम से, 7 8 months. तो यू कैन बी सेल्फिश, यू कैन जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ कि नो, इट्स माई बर्थडे. एंड दैट वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम, मतलब जब से मैं वरुण को जानती हूँ, तो 4 साल हमारी शादी हो गए और 2 साल से डेट करते हो गए, तो 6 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं. और मेरे हर बर्थडे में, एवरी बर्थडे ही वॉज देयर. सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. एंड बर्थडेज आर एक्चुअली वेरी स्पेशल. एंड वेन यू वेंट, आई वुडन्ट से एनीथिंग कि आई वॉज सच, ऑफकोर्स आई वॉज सैड, बट क्या बोल सकते थे, है ना. सो देन दैट हैपन एंड एंड ऑन माई बर्थडे आई रिमेम्बर उस दिन मेरा ना पूरा क्या कहते हैं ना, गंगा जमुना बहना शुरू हुआ. ठीक है, वो एक होता है ना, क्योंकि आपने बहुत टाइम से वो पाइल अप करके रखा हुआ है, आप उसको रो करो, ठीक है. एंड बहुत सारी चीजें होती है ना, छोटी 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 चीजें. इट वॉज नॉट जस्ट द बर्थडे, बट यू नो आई एम लिविंग अलोन, आई एम हैंडलिंग एवरीथिंग ऑल बाय माई सेल्फ. वाई गॉड, वाई वाई मी. उस टाइम पे आप ये नहीं सोचते हो कि दुनिया में तुम ही नहीं हो भाई अकेले, देर आर सो मेनी पीपल हु आर गोइंग थ्रू वर्स, बट आप अपने बारे में ही सोचते हो ना उस टाइम पे. एंड वो टाइम पे फिर मैं एकदम से टूट गई एंड मैं इतना रोई, मैं दिन भर रोती रही रोती रही रोती रही, मेरी पूरी आंखें सूज गई. और मेरी फ्रेंड जो थी वहां पे, शी थॉट कि आई एम नॉट इन टाउन, लाइक मैं अपने मतलब मैं अपने रिलेटिव के यहाँ पे हूँ. देन शी कॉल्ड मी अप इवनिंग में, ठीक है, लेट लती फ्रेंड्स, तो शी कॉल्ड मी अप एंड शी वॉज लाइक कि कहाँ है तू. मैंने कहा मैं तो इधर ही हूँ. मैं बात करने का भी मन नहीं हो रहा था, मेरा मन ही नहीं हो रहा था कोई मुझे कॉल करे और विश करे हैप्पी बर्थडे, बिकॉज आई वॉज सो सैड. इट वॉज नॉट अ हैप्पी बर्थडे, इट वॉज अ सैड बर्थडे. एंड शी वॉज लाइक ओके वेट आई कम, एंड देन शी केम विद हर ब्रदर एंड हम बैठे थोड़ी देर. एंड मैं जो रोई, सब चीज़ों के बारे में मैंने क्रिप कर दिया, सब चीज़ों के बारे में मैंने वाइन कर दिया. तो मेरे को बहुत, ऑफ कोर्स दैट वाज सैड, बट अच्छी चीज़ ये हुई कि मेरी फ्रेंड मिल रही. और फिर मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है लिली, उसने एक बहुत अच्छा कार्ड मुझे भेजा एंड दो प्लांटर्स भेजे थे. सो वो जब आया ना, मुझे इतना अच्छा लगा ना, बिकॉज ना यू डोंट एक्सपेक्ट. सो इट वॉज वेरी स्वीट एंड बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें लिखी थी उस कार्ड में. सो या दैट वॉज द बेस्ट पार्ट आई वुड से उस दिन का ना. एंड ऑफकोर्स माई हस्बैंड वॉज फीलिंग extremely sad about it because he can't do anything about it. So कुछ चीज़ों पर आपका कंट्रोल नहीं होता, तो ऑफकोर्स ही वॉज सैड एंड आई वॉज ऑल्सो सैड, बट आई वॉज मोर सैड. सो मैं अपना गुस्सा भी निकालने जा रही थी कि सब किया मैंने, ठीक है. फिर या एंड दैट्स हाउ इट वेंट. बट देन आफ्टर दैट आई वॉज फाइन बिकॉज आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग फ्रॉम दैट प्लेस, यू नो, बिकॉज फाइनली आई वॉज गोइंग बैक एंड आई कॉन्ट टेल यू हाउ हैप्पी आई वॉज. मतलब इतनी खुशी मैंने, मुझे कभी मतलब हुई खुशी नई जगह जाने में, बट जब मैं पैकिंग कर रही थी ना, वैन आई वॉज फाइनली लीविंग द प्लेस, आई वॉज सो हैप्पी. आई हैड माई यू नो फेयर शेयर ऑफ गुड टाइम्स इन दैट हाउस, बट यू नो वो जो लॉकडाउन का समय था ना, और जो वो मेरे को बाद में जो हिट गया एकदम से, जो मैं इग्नोर कर रही थी इतने टाइम से, तो मुझे उस टाइम पे मुझे लगा कि वो फाइनली आई एम फ्री नाउ, आई कैन गो नाउ, आई कैन बी बेस्ट विद माई फैमिली. सो आई वॉज रियली एक्साइटेड. बट व्हाइल लीविंग द हाउस अगेन आई वॉज सैड बिकॉज इतनी मेहनत से मैं उसको सजाया संवारा बड़ा. सो या नई जगह जाने में खुशी तो होती है, बट पुरानी जगह छोड़ने में भी दुख होता है. सो इट वॉज लाइक दैट. तो वाई एम शेयरिंग दिस स्टोरी विद यू ऑल, द रीजन इज आई वॉन्ट टू से दैट कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, यू वुड बी एबल टू सर्वाइव अगर आप ऐसे हेड स्ट्रांग हो, ठीक है, आपका विल पावर स्ट्रांग है, और आपने अगर डिसाइड कर लिया है कि नहीं मैंने इसको इफेक्ट होने ही नहीं देना है,
and I'm strong enough to face any situation. I can overcome any obstacle in my life. You would be able to do that, and that is what I have learned. See, throughout my life, I have like my fair share of struggles. It was not the very first time that, oh my God, I was like, मेरे को तो golden spoon में चीजें मिली थी, silver spoon में भी नहीं, golden spoon में चीजें मिली थी, और एकदम से ये क्या पत्तल में दे दिया खाना? ऐसा कुछ नहीं था. I had my fair share of struggles, but after that particular incident, if I think about it, I feel so proud of myself. I can't tell you that, you know, that I made it happen. Like I was not in a dark zone. Okay, I was not in a dark space. Of course, there were tears. There were times when I was low, but I enjoyed that time. I enjoyed that me time. I understood the true meaning of me time, enjoying time with yourself. Okay, I did yoga, shoga bhi kiya, jisse koi fayda nahi hua. And मैंने किया, you know, पेंटिंग की, मैंने डांसिंग किया, मैंने वीडियोस बनाए, मैंने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को डांटा बहुत सारा. सो आई डिड एवरीथिंग, यू नो, एंड आई ट्राइड मोमोज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बिकॉज माई हस्बैंड वॉज आफ्टर माई लाइफ. उसका बर्थडे भी उस टाइम पे पड़ा था, अप्रैल में. सो ही वॉज लाइक, यू नो, मेक समथिंग फॉर मी ना. मैंने कहा, यू नॉट हियर, क्या बनाऊं तुम्हारे लिए मैं? एंड आई एम नॉट इन टू कुकिंग, दैट मच इन टू कुकिंग. तो ही वॉज लाइक, नहीं नहीं, मेक समथिंग ना मेरे लिए, मेरा बर्थडे है तो तू कुछ बना के खा ले. बना दे उसको. और यू नो, मैंने कहा चलो ठीक है, बना देती हूँ मैं. तो मैंने बनाया, मैंने मोमोज बनाए, फिर मैंने आटा मोमोज ट्राई किए फॉर द फर्स्ट टाइम, वेज आटा मोमोज, एंड इट टर्नड आउट टू बी रियली गुड. तो आई वाज वेरी हैप्पी. मैंने बताया, मैंने केक भी बेक किया, इट वाज ओके, इट वाज नॉट दैट ग्रेट. डेलगोना कॉफी भी बहुत फेटी उस टाइम पे. आई थिंक उससे पहले से हम काफी टाइम से पीते आ रहे, पर उस टाइम पे काफी प्रचलित हुई. And my family members, they were very worried about me. My parents, my in-laws, my husband, you know, everybody was so worried. You are alone, you are alone, you are alone. And I was like, how to make you understand that I'm fine. And I was actually fine, you know. So, yeah, that is what happened. You know, that's how my lockdown phase, initial first lockdown went. That's how it was for me. So this is my lockdown story. And if you ask me कि पहले क्यों नहीं बात किया, अब दो साल बाद क्यों बात कर रहे हो इस बारे में, तो बस जब आपको फील हो कि ये सही समय है तो बस कर दो. एंड आई नो कि चीज़ें काफ़ी कुछ अभी ठीक हो चुकी हैं. उस टाइम पर शायद मैं उस बारे में बात करती तो पीपल वर लाइक आई टोल्ड यू ना कि आई वॉज रनिंग अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन. मैं खुद ही भाग रही थी उससे, तो मैं कैसे उस चीज़ के बारे में बात करके आप लोगों को, you know, दुखी करूं, है ना. तो आई वॉज ट्राइंग टू कीप इट पॉजिटिव, वेदर इफ आई टॉक अबाउट माई सोशल मीडिया और माई पर्सनल लाइफ, जिससे भी मैं बात कर रही थी, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू कीप इट पॉजिटिव. सो इवन नाउ ऑल्सो इफ आई से बाई शेयरिंग दिस स्टोरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सैड टाइम्स, आई एम जस्ट सेइंग दैट आई एम अ वॉरियर, यू नो. आई फील लाइक दैट आई हैव कॉन्क्वर्ड द वर्ल्ड, यू नो, बिकॉज आई मैनेज टू सस्टेन दैट. एंड आई थिंक without saying it goes for everyone, you know, jo logo ne jo saha hai and whatever they have went through, and they survive, we actually, all of us have fought a big battle, and we won the battle. So congratulations everyone for that, and thank you so much फॉर अगैन लिसनिंग टू माई चप्पल चप्पल. बहुत अच्छा लगा मुझे अपनी स्टोरी शेयर करके, एंड आई रियली होप कि आपको भी कुछ प्रेरणा मिली होगी इससे, यू नो. दैट इज वॉट माई इंटेंशन वेन एवर आई एम शेयरिंग एनी स्टोरी विद यू ऑल, नॉट ट्राइंग टू शो हाउ ग्रेट आई एम और हाउ असम्बली पर्सन आई एम, बट जस्ट, यू नो, इफ आई कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट. सो या, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो. I really hope you like it, and if you do, make sure you give this video a big thumbs up, subscribe to my channel, press the bell icon next to the subscribe button so that you get notified next time I upload a video. Also share your story in the comment section below, I would love to read it. And thank you so much everyone for always sticking around and for motivating me. So thank you everyone, I shall see you in my next one. Take care.